हेलो गाइज, मेरा नाम विभू। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फॉक्सवैगन टाइगून टॉप लाइन साउंड एडिशन के बारे में। ये यहाँ पर इस गाड़ी का ऑटोमेटिक वेरिएंट है। 1 लीटर के अंदर यहाँ पर साउंड एडिशन आया है टॉप लाइन के अंदर, जिसके अंदर कुछ फीचर्स यहाँ पर अलग एड ऑन करे गए हैं यहाँ पर टाइगून के अंदर। इंटीरियर से यहाँ पर फ्रंट में गाड़ी की लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिलने वाली है। तो सामने देख सकते हैं फॉक्सवैगन का लोगो आपको काफ़ी बड़े से साइज में दिया जाएगा। और जो यहाँ पर फ्रंट ग्रिल है वो यहाँ पर सिग्नेचर ग्रिल मिलती है फॉक्सवैगन की। बाकी हेडलैम्प्स की अगर बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको फुली एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं विद ऑटो फीचर। डीएल्स भी आप देख सकते हैं, एल शेप में यहाँ पर आपको डीएल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ जो फॉग लैंप्स है वो आपको कॉर्निंग फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, जो कि हैलोजन है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात भी करें तो गाड़ी के अंदर आपको 188 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल से। तो गाड़ी के अंदर जो साइड प्रोफाइल की लुक है आप देख सकते हैं। बाकी डाइमेंशंस आपको डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल रहे होंगे सारे, और ओवरऑल गाड़ी की यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिलने वाली है। बात करें व्हील्स की अगर, तो इसके अंदर आपको गाड़ी के अंदर 17 इंच के अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाते हैं। तो 17 इंच के अलॉय व्हील है, 205/55R17 की यहाँ पर टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाएगी। साइड के ORM जो है वो आपके ऑटो एडजस्टेबल विद ऑटो फोल्डेबल फीचर के साथ आ जाते हैं। इन्हीं के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर भी यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आपका फुली LED है। बाकी गाड़ी के रूफ़ में देख सकते हैं, इस साउंड एडिशन के अंदर जो रूफ़ है और ORM है वो आपको वाइट कलर के अंदर दिए गए हैं यहाँ पर। और आपको यहाँ पर सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि टॉप लाइन वेरिएंट के अंदर आता ही है यहाँ पर। और रूफ रेल आपको सिल्वर कलर की मिल जाती है। बाकी ड्राइवर साइड को पैसेंजर साइड पर आपको कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और लुक गाड़ी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके की मिलती है। बैक एंड प्रोफाइल से भी गाड़ी की लुक्स देख सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपने इससे पहले मेरे चैनल के ऊपर कुशाक की वीडियो भी देखी होगी, तो बैक से मुझे कहीं ना कहीं इसका जो लुक है ज़्यादा पसंद आता है एज़ कम्पेयर टू कुशाक, क्योंकि इसकी जो ये कनेक्टिव टेल लाइट्स है ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने पर लगती है। पर फ्रंट से मुझे कहीं ना कहीं अभी भी कुशाक की लुक ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बाकी पास से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर फुली LED टेल लाइट्स दी गई है। और साइड में भी हम देख सकते हैं आपको इंडिकेटर का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है। तो जैसे लोग करते हैं यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है। गाड़ी के अंदर जो ब्रेकिंग की बात करें तो ABS, EBD, ESC, हिल असिस्ट वगैरह सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। और बैक से यहाँ पर गाड़ी की लुक देख सकते हैं कुछ इस तरीके की मिलती है। फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, हाई स्टॉप माउंट लाइट मिल जाएगी, स्पॉइलर आपको यहाँ पर मिल जाता है। बैक ग्लास के अंदर डिफोगर वाइपर आ जाएगा और यहाँ पर VW का लोगो आ जाएगा। और यहीं से अपना बूट भी आप अनलॉक कर सकते हैं। आपको गाड़ी के अंदर कैमरा भी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ये इस गाड़ी का बूट स्पेस है, 385 लीटर का बूट स्पेस गाड़ी के अंदर मिलता है। पावर सीट ट्रे भी यहाँ पर आ जाती है। ये की सीटें आपको 60-40 स्प्लिट मिल जाएगी। और जो रिवर्स बम्पर है उसके अंदर आपको 3 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और डिफ्यूज़र भी यहाँ पर दिया गया है सिल्वर कलर के अंदर। बाकी अभी चले गए गाड़ी के इंटीरियर्स की तरफ और गाड़ी की लुक्स यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं। आप चले इंटीरियर्स के अंदर, तो इंटीरियर्स में देख तो ये है इस गाड़ी का इंटीरियर कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलने वाला है। फ्रंट डोर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डोर के ऊपर लेदर मिल जाएगा, चारों पावर विंडो मिल जाएगी। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा बोट होल्डर का। 4 स्पीकर मिलते हैं, 4 ट्विटर मिलते हैं, प्लस सबवूफर भी यहाँ पर इस साउंड एडिशन के अंदर ऐड करा गया है विद एम्पलीफायर। सीटें जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल अब टॉप लाइन वेरिएंट से ही आने लगी है। और ये है इस गाड़ी का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलने वाला है। स्टीयरिंग जो है वो आपका टिल टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल फीचर के साथ यहाँ पर आता ही है बेसिक वेरिएंट से। तो ये है इसका स्टीयरिंग व्हील जो कि आपका टिल टेलीस्कोपिक फीचर के साथ यहाँ पर आता है। और ये है इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपका फुली डिजिटल आता है। ब्लू कलर की इसके अंदर लाइट दी गई है, कुशाक के अंदर या स्लाविया के अंदर उसके अंदर आपको ऑरेंज कलर की लाइट आती है उसके अंदर। हेडलैम्प जो है ऑटो हेडलैम्प के फीचर का इसके अंदर आता ही है। यहाँ पर एम्बिएंट लाइट भी आपको मिल जाएगी। और डैशबोर्ड के अंदर जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं इसकी कुशाक से ज़्यादा बेटर है, जो मतलब फिट एंड फिनिशिंग है कुशाक से ज़्यादा अच्छी इसके अंदर दी गई है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम देख सकते हैं आपको इसमें, ये टॉप लाइन, हाई लाइन और जो इसका GT एडिशन सभी के अंदर सेम भी देखने के लिए मिलने वाली, जो कि कुशाक के अंदर नहीं मिलती है। कुशाक के अंदर सिर्फ टॉप लाइन वेरियंट्स के अंदर अभी आने लगी है ये वाली डिस्प्ले 10 इंच की। उससे पहले वो सिर्फ वो 8 इंच की 9 वाली डिस्प्ले दे रहे थे, जिसके अंदर एंड्रॉइड एप्पल हर प्ले भी वायर चलता है। इसके अंदर वायरलेसली चलता है मिड वेरिएंट से ही। नीचे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी आ जाएगा, वेंटिलेटेड सीट आती है फ्रंट में दोनों। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। 6-speed टॉर्क कन्वर्टर गेयरबॉक्स इस 1 लीटर इंजन के अंदर आता है। यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा आपको, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। और स्पेस वगैरह आप देख सकते हैं, आप की रखने के लिए आपके काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्पेस दिया गया है। और यहाँ पर 2 कप होल्डर का स्पेस मिल जाता है। आर्मरेस्ट जो है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस है और ये आपका एडजस्टेबल आ जाता है। बाकी डैशबोर्ड की क्वालिटी मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी अच्छी इसके अंदर है,
कहीं ना कहीं ये आपको कुशाक से अच्छी लगेगी। ऑटो डिम IRVM आ जाएगा रूफ में। यहाँ पर आपको LED रीडिंग लाइट्स देखने के लिए मिल जाएगी। और ये है इस गाड़ी का सनरूफ, कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलने वाला है। तो नॉर्मल साइज का सनरूफ गाड़ी के अंदर आता है, जो कि बाकी सीटें यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन के अंदर दी गई है। ग्रे एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में सीट्स यहाँ पर दी गई है इसके अंदर। तो अब चलते हैं गाड़ी की रियर सीट की तरफ, वो देखते हैं रियर में क्या कुछ मिलता है आपको। तो ये इस गाड़ी का रियर डोर, यहाँ पर आपको डोर आर्मरेस्ट के ऊपर लेदर मिल जाएगा, नीचे की तरफ काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पर डोर ओपनर मिल जाएगा सिल्वर फिनिशिंग के साथ। और ये इस गाड़ी का रियर केबिन 265mm का यहाँ पर व्हील बेस गाड़ी के अंदर मिलता है, तो उसकी वजह से जो लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा है। और पाँचों एडजस्टेबल हेडरेस्ट गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। बीच में यहाँ पर आर्मरेस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको दो ग्लास होल्डर का स्पेस भी मिल जाता है। बाकी अगर बात करें स्पेस की तो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पेस बहुत अच्छा गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है, लेग रूम वगैरह काफ़ी अच्छा है। रियर में एसी वेंट भी आ जाएगी, चार्जिंग पोर्ट्स भी आ जाते हैं। और रियर से गाड़ी का इंटीरियर आप देखो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलने वाला है। जो ब्लू कलर की मीटर के अंदर लाइट है ना, बहुत ज़्यादा सूट करती है। और डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा इसका स्पोर्टी लुक के साथ आता है, मतलब बाकी मैं एक बार अल्ट्रा वाइड में भी दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का यहाँ पर केबिन वगैरह है, काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, चारों एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं यहाँ पर। रियर में भी आपको वाइट कलर की रीडिंग लाइट दी गई है रूफ के अंदर। बाकी स्पेस वगैरह कैबिन वगैरह काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें कंफर्ट की तो इसमें 4+1 के लिए स्पेशली दिया गया है, 4 एडल्ट 1 बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है इस गाड़ी के अंदर। प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो प्राइसिंग में आपको एक बार बता देता हूँ। साउंड एडिशन की मैनुअल में प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको मैनुअल में एक्स्ट्रा रूम कॉस्ट करेगा 16,32,900, ऑन रोड कॉस्ट करेगा यूपी के अंदर 18,91,000। अगर यहीं सेम आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आप जाओगे तो ऑटोमेटिक में ये साउंड एडिशन कॉस्ट करेगा एक्स्ट्रा रूम 17,89,900 और ऑन रोड कॉस्ट करेगा 20,70,000। तो ये कुछ प्राइसिंग का डिफरेंस आएगा मैनुअल और ऑटोमेटिक के अंदर, लगभग 2 लाख तक का फ़र्क आता है मैनुअल ऑटोमेटिक में। बाकी अभी कुछ चीज़ें इसके अंदर लगी नहीं है जो कि साउंड एडिशन के अंदर न्यू आई है, जैसे पेडल लैंप्स नहीं लगे हुए, ठीक है, बैजिंग जो यहाँ पर बी पिलर ए पिलर पर बैजिंग लगेगी वो चीज़ें अभी इसके अंदर लगी हुई नहीं है। तो जब वो लग जाएगी वो भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा अपडेट कर दूंगा। बाकी आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी बेस्ट से बेस्ट डील चाहिए, मतलब फॉक्सवैगन की गाड़ी होगी, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट वहाँ से डील मिल जाएगी। और जैसे अब दिसंबर चल रहा है तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी वहाँ से मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। थैंक यू सो मच।